दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब होंगे बहुत बढ़िया। आज मैं आपको लेकर आया हूँ राइड एशिया 2024 का जो टूर कराने। अगर आपका ई व्हीकल से रिलेटेड बिजनेस है या बस बाईसाइकिल्स बच्चों के होते हैं और भी प्रोडक्ट्स लाइक साइकिल्स हो गए, वॉकर्स हो गई और भी चीज़ें काफ़ी सारी, इनसे अगर रिलेटेड बिजनेस है या आप इनमें से कोई चीज़ को परचेज करना चाहते हैं तो ये इवेंट आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। जी हाँ, ये इवेंट कहाँ लगा है, कितने दिन चलने वाला है, आप यहाँ कैसे पहुंच सकते हैं, एंट्री टिकट है या नहीं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और दोस्तों का शेयर करना भूलना नहीं। सो दोस्तों इस इवेंट की जो बात कर लूँ, कितने दिन ये चलने वाला है, ये 19 से लेकर 21 अप्रैल तक चलने वाला है। 3 दिन के लिए इवेंट रहेगा जो कि प्रगति मैदान में लगा हुआ है। और राइड एशिया ईवी के साथ साथ आपको यहाँ पर जो है राइड एशिया यानी कि जहाँ पर बच्चों की साइकिल्स या बड़ों की साइकिल्स उनके पार्ट्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 300 प्लस एग्जीबिटर्स, 2000 टॉप ब्रांड्स, 10,000 डीलर्स, 6,000 प्रोडक्ट सर्विसेज आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। अब मैं आपको लेकर आया हूँ योक्स इलेक्ट्रिक। सो यहाँ पर जो है ना, मेरी नज़र वैसे तो इस बाइक पर गई है और यहाँ पर राहुल जी हैं जो इसके बारे में तो बताएंगे, लेकिन इनका मेन प्रोडक्ट जो है मैं वो भी आपको दिखाना चाहूँगा एक बार, ये है। सो ये सारी नॉलेज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सो राहुल जी वेलकम टू द चैनल। सो सलाम सर, बताइए जी जरा इसके बारे में पहले। सर बताने के लिए तो बहुत कुछ होता है, ठीक है आप पूछिए, मेरा तो ये मानना है कि आदमी पूछे ना तो बताने में। पहले तो मुझे इस बाइक के बारे में बताइए ना कि मतलब क्या आपके माइंड में आया कि इसको इतना बढ़िया बनाया गया, ऐसा क्या सोच के इसे तैयार किया गया? बैटमैन स्पाइडरमैन तो देखिए, राइट, किसी ने सोचा था कि बैटमैन कैसे बन जाएगा और स्पाइडरमैन कैसे बन जाएगा, सोचा था किसी ने? बिल्कुल नहीं सोचा था ना सर। इसी तरीके से कुछ प्रोडक्ट भी ना सोचे नहीं जाते, बनाए जाते, बस बनाए जाते। इसके लिए टाइम लगाया जाता है, दिमाग लगाया जाता है, इसमें दिमाग तो बहुत लगाया गया, बहुत बढ़िया लग रहा है ये प्रोडक्ट। अच्छा इसके ये जो है इसकी माइलेज वगैरह के बारे में थोड़ा मुझे बताइए। और सर देखिए, आप जो प्रोडक्ट को पीछे से देखिए एक बार, इसको थोड़ा सा कैमरे को अगर आप पीछे देखें, ये लो आप बिलीव करेंगे कि हार्ले आपको इलेक्ट्रिक में मिल जाएगी? वही तो बिलीव तो करूंगा ही नहीं, तभी तो रुक गया मैं। बिलीव नहीं करते तो आपको कहाँ पहुंचना है? योक्स इलेक्ट्रिक पर। ओके राइट सर, ठीक है। तो जब हम बिलीव को अनबिलीव को बिलीव में कन्वर्ट करते हैं, फिर प्रोडक्ट बनाते हैं, और प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके लिए भी हम लोग अच्छी खासी आपको जानकारी देंगे, ठीक है। सबसे बड़ी बात, इस टायर का नाम क्या है? इसको फैट टायर। ओके ठीक है सर। इसके बाद इसके लुक एंड ग्रेस तो आपने देख ही लिया है, बिल्कुल। इसकी एक एवरेज आपको बता देता हूँ, ऑन एन एवरेज 100 किलोमीटर चल जाती है। अच्छा, ठीक है। मतलब आप मानेंगे नहीं, ये वो प्रोडक्ट है कि आपको जब अगर कभी मार्केट में चलना हो और आपको हीरो बनना हो बिना हीरो की मेहनत करे, तो आप प्रोडक्ट लो और हीरो बन जाओ। इसकी मैक्स स्पीड क्या रहती है? स्पीड सर ये 80 किलोमीटर तक 80 किलोमीटर तक जाती है रेट। सो ठीक है, ये देखो आप काफी सही लग रही है ये, और चलो खैर बढ़िया है, प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है आपका। जैसे इंडियन मार्केट होती है ना, राइट, इंडियन मार्केट में आपने देखा होगा बेचारे हमारे कमर्शियल यूजर्स क्या प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं आज के लिए, बहुत एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं कि यार एक बार ले लें तो, जैसे लोगों को हीरो की स्प्लेंडर होता है ना कि एक बार ले ली राइट तो 15 साल चल जाए यार गाड़ी, तो सर उससे भी ज्यादा चलेगी। अच्छा, हमारा E4+ मॉडल, ठीक है। इसके में डिस्क ब्रेक देखिए, क्या ये आपको लग रही है कि टार्जन डिजाइन नहीं है? पूरा टार्जन डिजाइन। इसके व्हील देखिए आप, मतलब आपको लगेगा कि कोई कमर्शियल यूजर में लोडर में कि आपको ऐसे व्हील्स आपको मिलेगी? सही बात, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन प्रोडक्ट को वापस मैंने वही बात कही, जो बिलीव को अनबिलीव को बिलीव करते हैं वो योक्स इलेक्ट्रिक, राइट। इसके बाद आप शॉकर्स देखिए, इसके हाई ग्रेड शॉकर्स हैं, 2 शॉकर्स मिलते हैं, पूरी हार्ड टफ एंड रफ गाड़ी मिलती है आपको, दैट इज E4+ मॉडल। बेसिकली थोड़े से कमर्शियल ग्रेड के यूजर्स के लिए ये मिलती है गाड़ी। बेस्ट आपको गाड़ी कहीं पर भी देखनी हो तो हम लोग दिल्ली बेस्ड हैं, द्वारका सेक्टर 6 में लोकेटेड हैं, आप नंगली सकरवती इंडस्ट्रियल एरिया में हमारा प्लांट है, आप वहां पर आके विजिट कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट को देख सकते हैं। ठीक ठीक, ये बहुत कमर्शियल यूजर ग्रेड के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। सो ये कितना जो वेट कैरी कर लेता है, इसका कुछ होता होगा लिमिट भी? वेट कैरी करने का कुछ लिमिट होता होगा इसका? क्या चीज सर? वेट कितना कैरी कर सकते? ये सर वेट कैरी कर सकता 200 किलो। 200 किलो और आप देखेंगे जब आप ग्रेड देख रहे हैं ना सर, सिर्फ क्वालिटी आपको बिल्ड क्वालिटी भी समझ में आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और वीडियो में इतना नहीं पता लग पाती, जो सामने देखते हैं पता लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जो क्वालिटी आप आगे टच करके फील करते हैं वो वीडियो में नहीं पता लगेगा। वीडियो में तो ऐसा लगता है फिनिशिंग आएगी, वो यहाँ मेरे सामने लग रहा है मुझे कि आप क्वालिटी अच्छी है। ठीक है जी, सो आपने एड्रेस तो बताई दिया और कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी अगर देना चाहिए? 8790-2343 योक्स इलेक्ट्रिक, आपको द्वारका सेक्टर 6 हेड ऑफिस दिल्ली बेस। ग्रेट, इसमें आपका कलर भी है ना? कलर मिल जाएंगे, मॉडल और भी है, ये E5 मॉडल आ जाता है हमारा, ये E4 आ जाता है, E4 आ गया, E4+ आ गया, E5 आ गया, E1 E2 मॉडल्स आपको काफी सारे मिल जाएंगे, बट यहाँ पर आपको मेजरली हम लोग कैटेगरी जो डिसाइड कर रहे हैं वो लोडर कैटेगरी का। ठीक ठीक ठीक,
ठीक है जी, थैंक यू सो मच, वेलकम सर। तो ये देखिए, ये है मैक्सिमा का ई बाइक स्टॉल, यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पे मोनिका जी हैं हमारे साथ, इनके काफी खूबसूरत से मुझे जो है स्कूटी व्हीकल्स नजर आ रहे हैं, सो इनसे जानेंगे इनके कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में। हेलो सर। हेलो जी, बढ़िया सर। मैं आपको आज मैक्सिमा व्हीकल में लेना चाहता हूँ, जिसकी कंपनी के पास 14 से 15 मॉडल मिलेंगे। ओके, ऑल ऑफ इंडिया में किसी के पास इतने मॉडल नहीं मिलेंगे, अलग अलग वैरायटी से लेके अलग अलग सब चीजें। कोई भी हमारे पास डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर जो आता है, हाँ जी, वो कोई कस्टमर खाली नहीं जाता, खाली नहीं जाएगा, मतलब सब कुछ हमारी कंपनी यही मोटिवेट है कि कोई भी कस्टमर आए वो खाली ना जाए। ठीक, अलग अलग फीचर्स के अकॉर्डिंग हमारे पास देंगे लोग, वैसे भी टाइप में भी मॉडल है, आप चेक कर सकते हो। हाँ जी, इसका मॉडल का नाम है चोपर। ओके, चोपर। यस सर। ठीक ठीक, स्पीड माइलेज डिस्क भी मिलेगा आपको, उसके बैक कैरियर भी मिलेगा, बैक स्पोर्ट भी मिलेगा। ठीक है, हर चीज चेक कर सकते हो। दिया ऑल, जैसे किसी कंपनी ने ना सर कॉपी निकाल रखी होगी इसकी, तो अच्छा, हाँ जी, तो हमारी कंपनी की आप ये चीज क्रोम की सर्चिंग मिलेगी, आप चेक कर दो, मैक्सिमम की हर एक चीज ब्रांडिंग की हुई है। ठीक है, कोई कंपनी नहीं है कि जिसकी ब्रांडिंग इतनी अच्छी तरह से, हाँ जी, पूरी ए टू जेड आप हर चीज चेक कर सकते हो, मिरर से लेके मैट से लेके मोटर कवर से लेके कंट्रोलर पे भी आपको ब्रांडिंग मिलेगी हर चीज की। ठीक है, इसका मैक्स स्पीड क्या जाती है वैसे? मैक्स स्पीड आप माइन की चलो तो 45-50 की स्पीड चली जाती है, और जो माइलेज होती है माइलेज आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो सर। माइलेज 120 भी चाहिए 120 भी कर सकते हैं। अच्छा, किसी को 80 की चाहिए तो 80 हो जाती है, किसी को 50 की तो 50 हो जाएगी। बैटरी के अकॉर्डिंग, या बैटरी यूज करोगे इतनी अच्छी आपको। राइट राइट, ठीक है। मैं आपको एक आपको मॉडल, हाँ जी, देखो वो है हमारा न्यू स्प्रिंग प्लस, ये वाला, हाँ, काफी सही लग रहा है, व्हाइट कलर में भी खूबसूरत, बिल्कुल बताइए इसके बारे में। हाँ जी, जो स्पीड है 45-50 स्पीड रहेगी। ठीक है, माइलेज है 60 वोल्ट में, आपकी कम से कम 70+ माइलेज रहेगी। ओके, ऐसा कोई कंपनी का मॉडल नहीं 70+ आपको माइलेज दे सकता है, और वो भी 60 वोल्ट के अंदर आपको 70+ की माइलेज। और इसकी जो चार्जिंग यूनिट होती है सर, वो ओनली एक यूनिट खाती है, एक यूनिट खाती है बस। तो अगर खर्चे की बात करी जाए, लाइक 8 से 10 रुपए लगते हैं, 8 से 10 रुपए। इसका डिग्री का स्पेस मैं आपको दिखाऊं, तो डिग्री का स्पेस आप चेक कर सकते हैं। ये डिग्री का स्पेस देखिए इसमें, ओह चेक कर सकते, ठीक है। अभी इसमें बैटरी लगेगी, राइट? ये बैटरी लगी हुई है। अच्छा, लगी हुई है तो काफी स्पेस है इसमें, तो ओके, तो इसमें काफी स्पेस है। हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है। इसके आपको मीटर के अंदर दिखाऊं, तो मीटर के अभी आप चेक कर सकते, डिस्प्ले भी, ये गियर सिस्टम भी होते हैं सभी मॉडल्स में हमारे, 1, 2, 3 गियर सिस्टम है। ओके, बस ये सेकंड आपको शो भी हो रहा होगा, सेकंड गियर में चल रही है, और आप हाँ। अभी थर्ड गियर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, थर्ड आ गया लिखा। हाँ जी, सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे जो भी कंपनी के मॉडल है ना सर, मीटर के अंदर आपको वो शो करेगा, ब्रांड का नाम भी शो करेगा, जो बैटरी हमने यूज कर किया वो वोल्ट भी यूज करेगा। जैसे कस्टमर कई बार, डीलर कई बार आते हैं हमारे पास, पूछते हैं कि चलते चलते रास्ते में स्कूटी रुक जाती है, हाँ जी, हाँ जी, तो कस्टमर क्या इमरजेंसी में क्या करता है, तो हमारे जो मॉडल्स है वो सारे के सारे जितने मॉडल्स है वो आपको मीटर के अंदर शो करेगा कि आपकी इतनी बैटरी पड़ी है और इतना आपको चार्ज करने के बाद मिलेगा। ओके, ठीक है, कोई भी है। पर आप सबसे अच्छा प्लस पॉइंट कंपनी का ये है कि आपकी ब्रांडिंग चेक कर सकते हो, हर किसी पे ब्रांडिंग है। हाँ जी, बिल्कुल, पीछे से लेके जैसे ये मोटर है, मोटर पे भी आपको मैक्सिमम ब्रांडिंग। राइट राइट राइट, ठीक है। सो ये जो आपकी रेंज वैसे किससे स्टार्ट हो जाती है? रेंज की बात करूँ तो रेंज की 38-39 के अकॉर्डिंग डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, राइट, 38-39। सो आपके आउटलेट्स तो होंगे ऑल ओवर इंडिया है क्या? आउटलेट हमारे ऑल ऑफ इंडिया के अंदर, ऐसे हरियाणा की, पंजाब की, केरला की, वेस्ट बंगाल की, उत्तराखंड की, हर जगह के। ओके ओके, सो लाइक आपसे कोई कनेक्ट करना चाहता हो तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको कार्ड देता हूँ, जो वो शो कर सकते हैं ना, वो कार्ड, ठीक है। इसके अलावा भी ये भी आपके, कुछ बताइए इनके बारे में। ये काफी सारे डीलर्स की डिमांड थी कि मैडम आपने टू व्हीलर में डिमांड कर चुकी है, लेकिन आप हैंडीकैप में भी कीजिए। ओके, काफी सारे, हाँ हाँ, ठीक, राइट, उसके अकॉर्डिंग हमने हैंडीकैप में लगा हुआ है, गार्ड भी लगा हुआ है इसके अंदर। हाँ, और सबसे प्लस पॉइंट आपको मिलता है सभी जितने मॉडल्स हैं हमारे पास, हाँ जी, सभी के अंदर कार्ड ऑप्शन है। आप ये कार्ड मैं आपको दिखाती हूँ की है, ठीक है, चेक कर सकते हो। ये नॉर्मली आपको कई बार लग रहा होगा कि छल्ला है ये, हाँ, की रिंग होगा, बट ये की रिंग नहीं है, ये आपका कार्ड है, आप कार्ड से लो कर सकते हो। ओके, बेहतरीन हैंडीकैप के लिए बनाई गई है, ये कमर्शियल यूज के लिए हो गए ना? हाँ जी, ये हो गया, ये लोडर के लिए, लोडर के लिए, राइट, लोडिंग एंड लोडर के लिए, दोनों के लिए। काफी स्पेस लग रहा है, तो ये पूरा ओपन हो जाएगा, तो काफी सारा ओपन हो जाएगा, मतलब इसकी
लोड कैपेसिटी है मतलब 400 से 500 के। अच्छा 400 से 500 के जी, सही है। ये देखिए यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, काफी सारी कंपनी कॉपी कर रखी होगी सर, बट हमारा इसमें कॉपी नहीं है। कॉपी ब्रांड है, 4 साल पहले की कंपनी है ये। ओके, और हरियाणा की कंपनी। अच्छा हरियाणा का ब्रांड है आपका। ठीक ठीक ठीक, सही है। तो काफी अच्छे फीचर्स है इन्होंने जो दिखाया और फीचर भी बताए, काफी वैरायटी है इनके पास। तो मैं इनका कार्ड शो कर देता हूँ आपको, इनके अगर इनसे कनेक्ट करना है तो आप कनेक्ट कर सकते हो। ये मोनिका जी हैं और ये सामने स्क्रीन पे आपको नंबर नजर आ जाएगा, इनसे कनेक्ट कर सकते हो आप। कुछ रिगार्डिंग कोई भी आपको चीज बात पूछनी है, कुछ बिजनेस के रिगार्डिंग बात करनी है आप कर सकते हो। सो ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों इस समय मैं हूँ रिमार्क के स्टॉल पे। यहाँ पर जो इनके काफी सुंदर सुंदर मुझे व्हीकल्स नजर आ रहे हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो है हॉल नंबर 2G9 में रहने वाला है, स्टॉल नंबर जो है G9 है। सो यहाँ पर रोहित जी है, रोहित जी से बात करते हैं और जानते हैं इनके कुछ व्हीकल्स के बारे में और उनके फीचर्स के बारे में। नमस्कार रोहित जी। नमस्कार। तो बताइए आप मुझे कुछ अपने बढ़िया बढ़िया व्हीकल्स के बारे में, उनके फीचर्स के बारे में। फीचर्स फुली लोडेड स्कूटर्स जो आपको एक पेट्रोल स्कूटर में फीचर्स मिलते हैं उससे कहीं ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में मिलते हैं फीचर्स। ओके, और ये सारे स्कूटर्स जो हैं इसमें बहुत तरह की हमारे पास रेंज आती है। हाँ जी, 4 फीट स्कूटर्स हैं। ओके, अगर आपको नंबर प्लेट की जरूरत नहीं पड़ती, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, और 1 स्कूटर है जिनमें आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है, एयरपोर्ट RTO वगैरह। ओके, और फीचर्स आप बोले तो उसके अंदर फुली लोडेड मीन्स आपको मोबाइल चार्जिंग मिलती है, आपको इसके अंदर रिवर्स गियर मिलती है, आपको इसके अंदर एडिशनल मीटर्स मिलते हैं, और इसके अंदर आपको सेंट्रल लॉकिंग मिलती है। तो ऑल इन ऑल आपको सारे फीचर्स इसके अंदर मिल जाएंगे। ओके ग्रेट। सो कोई आपका बढ़िया सा एक प्रोडक्ट के बारे में, किसी के बारे में माइलेज वाइज सारे स्कूटर्स की रेंज जो है स्टार्ट फ्रॉम अबाउट 70,000 rupees ऑन रूट टू 1,00,000 rupees ऑन रूट। ओके, और इन सब की जो माइलेज है दैट इज अकॉर्डिंग टू द बैटरी, जितनी बैटरी आप किस हिसाब से इंस्टॉल करवाते हैं। ठीक है, अगर आपकी बोल्ट ज्यादा है, बैटरी ज्यादा लगवाते हैं, रनिंग ज्यादा है। ओके, मिनिमम 60 किलोमीटर चलते हैं, मैक्सिमम अगर आपको उनकी बैटरी बड़ी लगी है इसके अंदर तो इट कैन रन अराउंड 120 किलोमीटर इन वन चार्ज। ओके, सो बेसिकली 120 किलोमीटर वाली अगर बैटरी को हम लेते हैं तो वो कितने घंटे में चार्ज हो जाती होगी सर? डिपेंड करता है, अगर आप लोग लिथियम बैटरी लेते हैं तो लगभग 3.5 से 4 घंटे में चार्ज हो जाती है। ओके, और अगर आप लोग लेड एसिड बैटरीज लेते हैं तो दैट टेक्स अराउंड 7 आवर्स टू चार्ज। और अगर एक रनिंग कॉस्ट की बात करी जाए, रनिंग कॉस्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल है इसका। अगर आप ये मान के चलिए कि आप इसको डेली भी चार्ज करते हैं, हाँ जी, एक चार्जिंग साइकिल जो है इसका जस्ट 1 यूनिट लेता है एक बार में चार्ज होने के, और एक चार्ज होने के बाद आपकी गाड़ी 60 किलोमीटर से 100 किलोमीटर चल जाती है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका रनिंग कॉस्ट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो है। राइट, ठीक है। बाकी कलर वैरायटी भी काफी सारे कलर अच्छी है, इसके अंदर मल्टीपल कलर्स हैं, हर मॉडल के अंदर मल्टीपल कलर आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये रिक्शा भी आपका है जी? ओके ग्रेट, मतलब प्रोफेशनल यूज के लिए, लाइक चलाने के लिए। इनका क्या रहता है हिसाब किताब रिक्शा का? रिक्शा की ऑन रोड प्राइस जो है ऑलमोस्ट 1,25,000 rupees का पड़ता है। ओके ओके, ये भी कितने चल लेती होंगी? ये भी बैटरी पे डिपेंड करना है। राइट, तो ये देखिए इनके पास ये। और अगर आपसे कोई कनेक्ट करना चाहता है, लाइक कुछ परचेज करना चाहता है या डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटर से? हमारी वेबसाइट है www.remarkev.com। राइट, उस पर जाके आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं, आप वहाँ फॉर्म भर सकते हैं डीलरशिप का। ओके, और हमारा स्टाफ आपको कॉन्टेक्ट करेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो अभी जो है मैं आपको स्टॉल नंबर B6A में लेके आया हूँ, वोलिक इलेक्ट्रिक। यहाँ पर एक मशीन मुझे नजर आई है जिसके बारे में हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरमान नाम है। ओके अरमान जी, बताएंगे मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में, बताइए। इलेक्ट्रिक रोड स्वीपर मशीन है। ओके, तो ये डस्ट कलेक्ट करती है, आप प्राइवेट सोसाइटीज में यूज हो सकती है। अच्छा अच्छा, ये मॉल्स की पार्किंग लॉट्स में, वेयर हाउसेज में, फैक्ट्रीज में यूज हो सकती है। ठीक है, एंड टोटली मेड इन इंडिया, एंड इसके अंदर अप टू 10 आवर्स बैटरी बैकअप मिलता है आपको। ओके, एंड अगर आप स्क्रीनिंग उससे देखें तो यू कैन पिक अप ओवर 500 kgs ऑफ डस्ट। 500 kgs of dust a day, इसके अंदर से।
अब जैसे आपने देखा इंडिया में मिट्टी बड़ी रहती है हमारी सोसाइटी में, सब बिल्कुल झाड़ू मारते हैं ऊपर तो हवा में उड़ा देते हैं और वहीं पे थोड़ी देर में गिर जाती है। राइट राइट, इस तरीके से आप कलेक्ट करके इस मिट्टी को सिस्टम से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, वो डेली प्रॉब्लम नहीं देती आपके लिए, तो काफी हेल्प कर सकता है डस्ट पॉल्यूशन कम करने में इंडिया में। ठीक, कोशिश हुई है हमारी। तो ये जो इसमें लाइक बैटरी जो इसकी होती है, क्या कितना बैकअप, कितने देर चल सकती है गाड़ी? तो अप टू 10 आवर्स हम करते हैं। ओके, राइट, समझ गया, तो कस्टमाइज है। अगर आपको ज्यादा उसमें नहीं डालना, आपकी छोटी यूजेज है, तो आप बैटरी पैक सस्ता वाले लिए 4 घंटे की यूजेज। ओके, अगर आपका एरिया बड़ा है, अगर आपको 1-2 एकड़ साफ करने हैं, ठीक, तो आप फिर मैं रेकमेंड करूंगा बड़ी बैटरी पैक के साथ जाए, जैसे 10 आवर्स के बैटरी। ओके ओके, गेटिंग योर पॉइंट। तो अगर इसे कोई लेना चाहता है या कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आप लोगों से? तो हमारी ये सेल्स की आईडी है sales@volleyelectric.com। ओके, यही नंबर है ना? हाँ जी, ये टेलीफोन नंबर भी है। ठीक है, इस पे कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, आप इस पे कनेक्ट कर सकते हैं आपसे। ठीक, एंड मेरी सेल्स टीम आपसे क्लियर करेगी। थैंक यू सो मच। तो भाई अब मैं आपको लेकर आया हूँ सुपर टैक में। सुपर टैक जो है ना, इंडियन मेड है, यहाँ पर सारे प्रोडक्ट मेड इन इंडिया। सो भाई भीम जी हैं यहाँ पर, भीम जी जो है अपने प्रोडक्ट हमें दिखाएंगे। अभी ये स्टार्ट कर रहे हैं अपने कमर्शियल व्हीकल से, राइट? जी सर। ठीक है, बताइए। अपना लोडर है सर। हाँ जी, L5 की लोडिंग कैपेसिटी है 1 टन की। ठीक है, ये अपना टायर का साइज है 4x12 अपोलो के टायर है। ठीक है, 3-2 वाट की मोटर है इसकी। ओके, ब्रशलेस। बैटरी की बात करें तो 105 AH की 60 वोल्ट में लिथियम आयन यूज कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो ये इसकी गारंटी है 3 साल की। अच्छा, क्या बात, रोमटेड की बैटरी है। ठीक है, तो वही कमर्शियल यूज के लिए देख रहा है। तो फुल लोड पे अगर हम माइलेज निकालेंगे तो इसका माइलेज आ जाएगा 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर जी, और चार्जिंग टाइम इसका मैक्सिमम रहेगा अपना 4 घंटे का। 4 घंटे का। अगर एक बात करूं वैसे जनरल मतलब लैंग्वेज में कि भाई कितनी यूनिट खा जाता होगा एक बार चार्ज होने में, अभी होता ना 2-3 यूनिट का बस, 2-3 मतलब देखा जाए तो मेरे ख्याल से अगर पैसों की बात करें तो 30 रुपए के आसपास में 100 किलोमीटर चल जाएगी। 100 किलोमीटर चल जाएगी, राइट, है ना? ठीक है, बढ़िया है, बिल्ट भी बढ़िया है। मतलब पीछे से मैं आपको इसको दिखाता हूँ एक बार, ये देखिए, ये अपना डिफरेंशियल है, इसका साइज है अपना 48 इंच। ठीक है जी, ये अपनी मोटर लगी है, भी है काफी काफी हैवी डिफरेंशियल लगाया गया है। ठीक है, और लाइटिंग की फिनिशिंग है अपने देखी, क्रोम की फिनिशिंग दी गई है पीछे। हाँ, अपने जो ये बॉक्स है इसका साइज। ठीक है, तो यहाँ पर क्वालिटी वाइज भी काफी सही लग रहा है। ये 4.5x6 फीट का बॉक्स का साइज है पीछे का। ठीक है, हाँ वो ठीक है। इसके अलावा ये इसके इनमें से कोई बताइए अपना, ये अपने स्कूटर है जो ठीक है, स्कूटर के पास में ये नॉन आरटीओ है, राइट जी, 25 किलोमीटर तक चलेंगे। अपने पास ये नॉन आरटीओ 6 मॉडल है। ठीक है, 6 मॉडल है ये अपना पावर मॉडल। ओके, जो 48 एंड 60 वोल्ट दोनों के ऑपरेट है। ठीक है, 10 इंच व्हील का साइज है, फ्रंट है, रियर डिस्क सिंगल डिस्क, फ्रंट इसका डिस्क है, रियर ड्रम ब्रेक है। ओके जी, और एक्सेसरी आ जाती है स्टिल काफी अच्छी है, हैवी अपनी इंडियन मेड है, और सेंटर लॉक आ जाता है इसमें। अच्छा अच्छा, देखिए सेंटर लॉक हो गया, पार्किंग सिस्टम हो गया, जैसे पार्किंग पे रहेगी तो आगे कोई भी, जैसे हम खड़े हैं बात कर रहे हैं, कोई भी एकदम से एक्सीडेंट ले लेता है तो आगे बच जाती है, क्योंकि इंजन तो है नहीं इसमें। और इसमें वो रिवर्स का भी होता है कहीं, जैसे उसमें आता है। ये देखिए, ये फंक्शन के बारे में बता दूं, ये P4 अपना पार्किंग मोड हो गया, और D4 ड्राइव, R4 रिवर्स। ओके, जब हम R पे करके चलेंगे तो रिवर्स चलेगी अपनी स्कूटी। ठीक है, और ड्राइव पे करेंगे तो फ्रंट में चलेगी। और इसकी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है अपनी 48 एंड 60 वोल्ट दोनों यूज कर सकते हैं, लिथियम आयन भी यूज कर सकते हैं, लेड एसिड भी यूज, वो कस्टमाइज है अपने अकॉर्डिंग, आप बैटरी लगवा सकते हैं। वो तो कस्टमर पे डिपेंड करता है किस प्राइस तक राइट लेना चाहते हैं उसी हिसाब से। ठीक है,
और अगर इसकी कॉस्ट की बात करी जाए तो कितने से स्टार्ट होगा? सर अगर हम मिनिमम कॉस्ट की बात करें तो इसमें अपना आ जाएगा 45,000 ओके जी, 45,000 से स्टार्टिंग हो जाएगी। एक साल की गारंटी रहेगी बैटरी के साथ में 60 वोल्ट पे। ठीक है जी। तो भाई अब यहाँ पर इनको देखो, ये इनका स्पोर्ट्स लुक में एक बाइक है, ये वाली देखते हैं, बड़ी जबरदस्त लग रही है दिखने में। पहले आप इसको देखो एक बार, सुपर बाइक है। बताइए इनके बारे में, बताइए जरा थोड़ा, बड़ी जबरदस्त है बाइक अपनी। सुपर बाइक, बिल्कुल सुपर बाइक ही है, सुपर बाइक ही है ये। अभी अपन लॉन्च करने वाले, लॉन्च करने वाले हो, ठीक है, इंडियन मेड होगी। ठीक है, इसकी मोड वगैरह अभी अपने बनने दे रखे हैं, सैंपल दे रखे हैं। ठीक है, जल्दी बन के आ जाएंगे तो इसको हम एक साल के अंदर लॉन्च कर देंगे। ओके, तो इसकी जो टॉप स्पीड होगी वो 120 किलोमीटर पर आवर 120। ठीक है, इसकी जो बैटरी है वो अपनी 72 वोल्ट 80 AH की होगी, लिथियम आयन। आपको माइलेज मिल जाएगा 120-130। अच्छा, इसके गियर मोड है आपको मैं दिखा देता हूँ, बोलिए। अभी अपना ये फर्स्ट मोड है, फर्स्ट मोड ठीक है, देखिए स्पीड है। अभी हम गियर चेंज करेंगे, यहाँ से ये स्विच है, ठीक है, जिसे एक बार पुश करेंगे तो गियर चेंज होगा। अभी सेकंड गियर पे ये, अभी हम फिर से पुश करेंगे तो थर्ड गियर आएगा, देखिए। ओके, ये ब्लूटूथ सिस्टम दिया गया है इसमें। अच्छा जी, तो म्यूजिक का भी आनंद ले सकते हैं, म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं भाई, मतलब चलाओ भी और आनंद भी हो। उसका लुक भी काफी बहुत बढ़िया, बेहतरीन लुक दिया है पूरा स्पोर्ट्स बाइक का। जो मोटर है वो अपनी 3 किलो वाट है। हाँ, व्हील्स वगैरह भी का साइज हो गया 17 इंच, काफी जबरदस्त। ट्यूबलेस टायर। ओके, फ्रंट एंड रियर दोनों डिस्क में है। ठीक ठीक, तो काफी जबरदस्त ये भी बाइक रहने वाली है। यानी कि अगर आपको ई व्हीकल में एक स्पोर्ट्स लुक वाली बाइक चाहिए तो ये आपकी पसंद हो सकती है। और अगर आप लोगों से कनेक्ट करना हो किसी ने, लाइक है ना, इसे कैसे कोई बंदा आपका प्रोडक्ट कैसे ले सकता है, आउटलेट से आपके मार्केट में? आउटलेट है सर, और मैं आपको नंबर दे देता हूँ, वो नंबर आप बता सकते हैं, मैं आपको पैम्फलेट दे दूंगा। ठीक है, आप मुझे, हाँ मुझे कोई पैम्फलेट दे दीजिए। ठीक, सो नंबर मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, इनसे आपको कनेक्ट करना हो तो आप कर पाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। तो ये देखिए स्क्रीन, मैं ये नंबर आपको दिखा रहा हूँ, ये सुपर टैक वालों का नंबर है, तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं।